हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पे और कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में। तो बच्चों, आज मैं सीएसएस प्रॉपर्टीज के बारे में लेक्चर लेके आया हूं। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया था जिसमें सीएसएस के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ सीएसएस के बारे में बताया था, तो मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको सीएसएस प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th का चैप्टर है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सीएसएस प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें जानना है। तो चलिए आज हम जानेंगे सीएसएस प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम अपने वेब पेजेस के अंदर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सीएसएस प्रॉपर्टीज। देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने एचटीएमएल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हर एक टैग एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, एसआरसी, ये सब प्रॉपर्टीज थी जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे थे, अपने एलिमेंट को एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर रहे थे। वैसे ही सीएसएस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करके हम अपने वेब पेजेस को, अपने वेब एचटीएमएल पेजेस को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उनके टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं, उनके हेडिंग्स को डिजाइन कर सकते हैं, उनके इमेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो हमें ये लिस्ट मेरे सामने दी गई है, ये लिस्ट आपके सामने है, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि कलर से क्या होगा, बैकग्राउंड कलर से क्या होगा, बॉर्डर स्टाइल से क्या होगा, मार्जिन से क्या होगा, हाइट से, विड्थ, आउटलाइन, फॉन्ट फैमिली के अंदर तीन प्रॉपर्टी है, और अलाइन फ्लोट। तो ये सारी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। इनकी कुछ वैल्यूज भी होंगी, उन वैल्यूज को हमें क्या करना है, यूज करके अपने टेक्स्ट, अपने हेडिंग्स, अपनी इमेज पे अप्लाई करनी है। तो आपको आई होप ये सब तो क्लियर होगा कि टाइप्स ऑफ सीएसएस और सीएसएस कैसे अप्लाई करनी है। मैंने ये इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1x1 प्रॉपर्टी से और देखते हैं कि कलर प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या है, फिर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कलर प्रॉपर्टी से। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कलर प्रॉपर्टी, तो आप ये देखिए कि कलर प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं जब भी हमें कोई फॉन्ट, अगर लेट सपोज हमारे पास कोई पैराग्राफ टैग है या हेडिंग टैग है, उसके अंदर कोई फॉन्ट लिखा हुआ, मतलब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हमें उस टेक्स्ट को कलर करना है तो हम वहां पे कलर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहां पे आप देखिए कि पी हमारा सिलेक्टर है, पी हमारा क्या सिलेक्टर है, लेट सपोज पी पैराग्राफ हमारा है कुछ, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है दिस इज अवर टेक्स्ट, दिस इज अवर टेक्स्ट। आप क्या चाहते हो कि भाई मेरे एचटीएमएल पेज के अंदर, मेरे वेब पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उनके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सब रेड कलर से हो जाए, तो ये हमारा सिलेक्टर है पी। तो आप क्या करोगे, कलर प्रॉपर्टी को यूज करोगे, फिर कोलन होगा, फिर रेड, प्रॉपर्टी वैल्यू रेड है। तो कलर तो कुछ भी हो सकता है, ये कलर की वैल्यू भी दे सकते हो और हेक्साडेसिमल भी वैल्यू पास कर सकते हो आप, कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू या कलर कोड भी पास कर सकते हो, और कलर कोड भी यूज कर सकते हो कलर नेम की जगह। तो बच्चों, आप ये समझिए कि ये कलर प्रॉपर्टी हमारे क्या करती है, हमारे टेक्स्ट को कलर करती है, हमारे फॉन्ट को कलर करती है। किस लिए कलर करती है, फॉन्ट कलर के लिए यूज की जाती है, टेक्स्ट और बोले या और फॉन्ट बोले, ठीक है, टेक्स्ट बोले या फॉन्ट, अगर टेक्स्ट कलर करना है आपको तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। तो जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे, ये पी हमारा सेलेक्टर है, हमने ये बात करी थी एचटीएमएल के प्रीवियस लेक्चर में कि पी हमारा सेलेक्टर है, तो जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे उन पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, उस पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। और इस स्टाइल को लिखना कहां पे है, इस स्टाइल को आपको हेड सेक्शन में स्टाइल टैग लगाना है, उसके अंदर ये चीजें आपको डिफाइन करनी है। तो इससे क्या होगा कि पी जो टैग है, पी एक हमारा एलिमेंट है, पी हमारा क्या एचटीएमएल एलिमेंट है, एचटीएमएल एलिमेंट है पी। तो पी पे जितने भी वेब पेज के अंदर, जितने भी पैराग्राफ होंगे उनका सारे का टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो भी कलर आप यहां स्पेसिफाई करोगे। तो कलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, मतलब अपने एचटीएमएल वेब पेजेस के टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। क्लियर? तो यह क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर। लेट सपोज आपको अपने वेब पेज का कलर क्या करना है, बैकग्राउंड करना है, तो वेब पेज का मतलब बैकग्राउंड करना है बॉडी का कलर। तो हमने जैसे एचटीएमएल के अंदर पढ़ा था कि आप बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करो तो क्या हो जाता था, आपका कलर बैकग्राउंड में सेट हो जाता था। वैसे ही आपको अगर अपने टेबल, अपने टेक्स्ट, अपने लिस्ट एचटीएमएल के अंदर जिसपे भी कलर करना है, जिसपे भी बैकग्राउंड कलर करना है, उसको आपको एज अ सेलेक्टर, जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल मैंने लिया टेबल का,
मैंने क्या लिया है, टेबल का एग्जांपल लिया है कि टेबल पे मुझे क्या करना है, टेबल बनाए उसका बैकग्राउंड कलर क्या सेट करना है, येल्लो सेट करना है। तो येल्लो सेट करना है तो बैकग्राउंड कलर देखो यहां पर येल्लो दिख रहा होगा, यहां पर येल्लो दिख रहा है, ठीक है। ये सेलेक्टर है हमारा, ये टेबल हमारा क्या है, सेलेक्टर। इट मीन्स कि अगर हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर 10 टेबल्स हैं तो सारी 10 टेबल्स का बैकग्राउंड कलर क्या सेट हो जाएगा, येलो सेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहां पे लिखा है टीएच क्या है हमारा, सेलेक्टर है, तो भाई टीएच बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो जिस टेबल के अंदर हेडिंग होगा, टीएच हेड है, ठीक है, वहां पे बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा ब्लू, जैसे कि यहां पे देखो सेट हो गया ब्लू। और टीआर बैकग्राउंड कलर क्या, रेड, तो भाई टीआर का मतलब होता है टेबल रो होता है, तो अगर आप टेबल के रो को बैकग्राउंड करना है, कलर करना है, तो आप यहां पे इस तरह से लिख सकते हो। और ये सारी चीजें लिखी कहां जाएंगी, ये सारी चीजें आपको लिखी जाएंगी स्टाइल के अंदर, किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। तो इस फायदा क्या है सीएसएस का भाई, कि आपने एक बार डिफाइन कर दिया है टेबल कलर येलो, आपने एक बार डिफाइन कर दिया है टेबल कलर येलो, इट मींस अगर आपके वेब पेज के अंदर 10 टेबल्स हैं या 20 टेबल्स हैं, तो सबका कलर बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, सारी टेबल्स का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो ये सेलेक्टर होते हैं हमारे, तो इस तरह से सीएसएस में अप्लाई करते हैं, क्लियर। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी किस लिए होती है, बैकग्राउंड कलर करने के लिए। तो मैंने यहां पर टेबल का एग्जाम्पल ले लिया, आप टेबल है, ठीक है, यहां पर टेबल का एग्जाम्पल लिया है, आप बॉडी पे लगाना चाहते हैं तो आप बॉडी का सेलेक्टर यूज करेंगे, यहां पे सिर्फ सेलेक्टर चेंज करते जाएंगे। आप पैराग्राफ पे यूज करना चाहते हैं, आप हेडिंग पे यूज करना चाहते हैं, तो जिस पे भी यूज करना चाहते हैं, जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट पे आप यूज करना चाहते हैं, आप उसको यहां पे लिख दीजिएगा सेलेक्टर की जगह, जहां पे सेलेक्टर लिखा जाता है, क्लियर। तो आपको सेलेक्टर चेंज करने हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। आप बॉडी पे कर सकते हैं, बॉडी पे करने से क्या होगा कि आपके वेब पेज का कलर चेंज हो जाएगा। आप पैराग्राफ में करोगे तो पैराग्राफ के अंदर पीछे बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, पीछे पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, फिर हेडिंग में बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे बस सेलेक्टर चेंज करिए और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज कीजिए, बैकग्राउंड कलर, तो जिससे आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, क्लियर। तो ये हो गए बैकग्राउंड, तो इसको बोलते क्या, बैकग्राउंड स्टाइल्स। बैकग्राउंड स्टाइल्स के अंदर यह आती है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सीएसएस बॉर्डर। क्या है हमारी, सीएसएस बॉर्डर, मतलब कि भाई अगर हमें अपने किसी सेलेक्टर, किसी टेबल, किसी टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर सेट करना है, किसी टेक्स्ट के अराउंड क्या करना है, बॉर्डर सेट करना है, तो आप यहां पे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल, आप डिफरेंट डिफरेंट तरह का बॉर्डर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का बॉर्डर आप सेट कर सकते हो यहां पर, ठीक है। यहां पर तो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज What kind of border display the following values are allowed? किस तरह का border आप लगा सकते हो? तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपका कोई text है, उसके around आप border set करना चाहते हो, आप उसके around क्या set करना चाहते हो? Border set करना चाहते हो, तो आप border set कर सकते हो। देखो कि कैसे करना है कि border style उसके अंदर ये values हो सकती हैं, ये values हो सकती हैं, dash, तो जो भी वैल्यूज दोगे उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर की डिजाइन आ जाएगी, जो भी वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर की डिजाइन आ जाएगी, सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल और ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट। तो जिस तरह का भी बॉर्डर आपको चाहिए, हर एक डिजाइन यहां पे अवेलेबल है, तो जिस भी डिजाइन को आपको चाहिए उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, सॉलिड, डॉट, डैश, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, दीज आर दी वैल्यू। तो आप ये वैल्यूज क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो बॉर्डर स्टाइल के अंदर। तो जैसे ही आप बॉर्डर स्टाइल लिखोगे, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल लिखोगे आप, तो वैल्यू सेट हो जाएंगी बॉर्डर स्टाइल, और आपको जो भी वैल्यू देनी है, डबल देनी है, सेमी कोलन हर प्रॉपर्टी के बाद लगेगा, सेमी कोलन हर एक प्रॉपर्टी के बाद लगेगा। तो आप किसी भी एलिमेंट पर लगा सकते हो, आप किसी भी, आप चाहते हो कि मेरी हेडिंग बॉर्डर के अंदर आए, ठीक है, उसका स्टाइल हो जाए, पैराग्राफ चाहते हो उस बॉर्डर के अंदर आए, तो आप ये बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर डिस्प्ले द फॉलोइंग वैल्यूज आर अलाउड। ये सारी वैल्यूज है बॉर्डर स्टाइल की, तो ये याद रखनी है, सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, क्लियर है। चलो तो यहां पे समझ गया होगा कि भाई बॉर्डर, जिस तरह का भी बॉर्डर चाहिए आप पैराग्राफ टैग के अराउंड बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आप हेडिंग के अराउंड बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आप
टेक्स्ट के अराउंड, किसी टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आप किसी इमेज के अराउंड बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आपको बस सिर्फ क्या करना है, आपको उस टैग का नाम लिखना है, इमेज। जैसा मान लो जो मैं इमेज के इमेज पे जाता हूं, तो इमेज और आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, उसके अंदर बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी और जैसा भी बॉर्डर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, वैल्यू पास कर दोगे। क्या कर दोगे? उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पास कर दोगे आप। ठीक है, चलो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट मार्जिन क्या होती है, सीएसएस मार्जिन। कि भाई सीएसएस मार्जिन क्या है, कि अगर आपका टेक्स्ट अवेलेबल है, मान लीजिए आपका कोई टेक्स्ट है या कोई इमेज है या कुछ भी है, कोई पैराग्राफ है, आप क्या चाहते हो उसकी मार्जिन सेट करना चाहते हो, मींस कि आपके किसी भी एलिमेंट का, एचटीएमएल एलिमेंट की, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मेरी ये है इमेज है, तो मार्जिन क्या है, मार्जिन ये डिस्टेंस होती है, ये क्या डिस्टेंस होती है, इसे कहते हैं मार्जिन। कि आपका जो एलिमेंट है वो आपके वेब पेज से, वेब पेज के बॉर्डर से कितने दूर है, कितने दूर है, इन्हें हम मार्जिन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। कि कितनी मार्जिन है इसके अराउंड, और मार्जिन और चार तरह की है यहां पे, टॉप मतलब ये वाली मार्जिन, इसे हम टॉप मार्जिन बोलते हैं, टॉप मार्जिन, इसे हम बोलते हैं मार्जिन राइट, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन मार्जिन बॉटम, मार्जिन मार्जिन बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। तो दीज आर दी मार्जिन वैल्यूज, मतलब आपकी कोई भी एलिमेंट उसके अराउंड कितना कितना मार्जिन रहेगा, वो कितना कितना साइड से, आपके वेब पेज के साइड से कितने कितने मार्जिन पर रहेंगे, कितनी कितनी दूर पर रहेंगी, ये मार्जिन बोलती है हमें, ये मार्जिन बोलती है। तो आप किसी भी एलिमेंट की मार्जिन सेट कर सकते हो, आप पी टैग की मार्जिन सेट कर सकते हो, आप इमेज की मार्जिन सेट कर सकते हो, आप हेडिंग की मार्जिन सेट कर सकते हो, किसी की भी मार्जिन सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए लिखा भी यही है कि सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। ये बॉर्डर जो है हमारा, ये बॉर्डर है हमारा, ठीक है, इस बॉर्डर में, इस बॉर्डर से कितनी मार्जिन रहेगी, इस बॉर्डर से कितनी मार्जिन रहेगी, ठीक है, ये हमारी मार्जिन स्पेस है, ये हमारी क्या है, मार्जिन स्पेस है, और ये हमारा एचटीएमएल एलिमेंट है। आप मान के चलो वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा इमेज टैग भी हो सकता है, वो पैराग्राफ टैग भी हो सकता है, वो हेडिंग टैग भी हो सकता है। तो यहां पे सीएसएस की चार तरह से मार्जिन आप डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिन टॉप मतलब टॉप की मार्जिन, टॉप से कितना डिस्टेंस पर रहेगा, मार्जिन राइट, राइट से कितना डिस्टेंस पर रहेगा मार्जिन, मार्जिन बॉटम नीचे से कितना डिस्टेंस पर रहेगा, कितना स्पेस होगा बीच में, और मार्जिन लेफ्ट यहां से, लेफ्ट से कितना स्पेस रहेगा, यहां से कितना स्पेस होगा, ठीक है, ये मार्जिन लेफ्ट है। तो आप इनकी वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो, आप इनकी वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मार्जिन ये होती है, मार्जिन ये होती है। तो देखो मैंने यहां पर आपको करके दिखाया है, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया है कि मैंने बॉर्डर सॉलिड लिया हुआ है, मैंने बॉर्डर क्या लिया हुआ है, सॉलिड बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, यहां पे बॉर्डर स्टाइल लिख लो, यहां पे बॉर्डर स्टाइल क्या लिया हुआ है, मैंने सॉलिड लिया हुआ है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज यूज कर दी है मैंने इसमें, बैकग्राउंड कलर देखो यूज कर दिया है मैंने लाइट, और मार्जिन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब कुछ सेट कर दिया है, 100 पिक्सल, पिक्सल में वैल्यू दोगे आप पिक्सल्स में वैल्यू दोगे, ठीक है, याद रखना पिक्सल्स के अंदर आप वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर। तो देखिए क्या होगा, तो भाई यहां पे सिलेक्टर क्या है हमारा, सिलेक्टर हमारा पी टैग है, सिलेक्टर हमारा क्या है, पी टैग है, कि जिसपे ये सारी स्टाइल अप्लाई होगी, और स्टाइल को लिख किसके रहे हैं, स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे हैं, स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। हमने एक एक डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन सेट करी हुई है, टॉप अलग सेट करी है, बॉटम अलग सेट करी, राइट लेफ्ट सब कुछ अलग अलग मार्जिन हमने क्या की हुई है, यहां पे सेट की हुई है। अब देखो आप, मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं, तो ये देखो क्या हुआ है, मैंने बॉर्डर सॉलिड लिखा था तो सॉलिड बॉर्डर आ गया है, इमेज पैराग्राफ में, पैराग्राफ जो भी लिखा था आपने उसके अंदर सॉलिड बॉर्डर आ गया है, ठीक है, सॉलिड बॉर्डर आ गया है यहां पर, क्लियर है। तो भाई यहां पे सॉलिड बॉर्डर आने की वजह से,
और बैकग्राउंड आपने लाइट ब्लू दिया हुआ था, बैकग्राउंड पैराग्राफ टैग के अंदर लाइट ब्लू ब्लू हो गया है, लाइट ब्लू हो गया है, और मार्जिन आपकी मार्जिन मतलब आपने मार्जिन सेट कर रखी है, तो मार्जिन की वेब पेज से ये और ये डिस्टेंस कि आपके बॉर्डर से, वेब पेज के बॉर्डर से जो डिफाइंड बॉर्डर है वेब पेज से उतनी कितनी दूर होगी, कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये मार्जिन हमें सेट करके दे रही है। ये आउटपुट आएगा। ये आउटपुट क्यों आ रहा है? क्योंकि लाइट ब्लू कलर दिया हुआ है, लाइट ब्लू कलर दिया हुआ है, और बॉर्डर स्टाइल क्या यूज किया हुआ है मैंने, सॉलिड, और ये मार्जिन डिफाइन की हुई है। तो ये मार्जिन आपको इसलिए नहीं दिख रही होगी क्योंकि आउटपुट है, ये हमारा सिर्फ आउटपुट है। तो जब वेब पेज में ऐसी कुछ लिखोगे, आप वेब पेज में ये कोड रन करोगे, तो आपका जो पैराग्राफ टैग होगा, जो पैराग्राफ एलिमेंट होगा, वो आपको दिखाई देगा प्रॉपर मार्जिन में, प्रॉपर मार्जिन में, कि लेफ्ट से कितनी होगी, टॉप से कितनी होगी, बॉटम से कितनी होगी, राइट से कितनी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? तो ये इस तरह का कोड आप रन करके देख सकते हैं। इस तरह का कोड लिख के आप मार्जिन प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्टाइल, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है, सिलेक्टर हमारा यहां पे इमेज हो सकता है, ठीक है, यहां पे हमारा हेडिंग हो सकता है, हमारा यहां पे टेबल हो सकता है, तो टेबल टैग भी आप यूज कर सकते हो। तो सिलेक्टर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? उन पे ये स्टाइल्स क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। मार्जिन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी, ये क्या है भाई, हाइट एंड विड्थ, कि अगर आपको हाइट और विड्थ सेट करनी किसी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ सेट करनी है, तो आप हाइट एंड विड्थ यूज कर सकते हैं। हाइट प्रॉपर्टी सेट द हाइट ऑफ द एलिमेंट, विड्थ प्रॉपर्टी सेट द विड्थ ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, बट अब देखो यहां पर कैसे यूज करना है। आप यहां पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकते हो, आप पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, आप परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हो, 100% में, ठीक है, परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकते हैं। यहां पे मैंने परसेंटेज में दिया, पिक्सल्स के अंदर भी दे सकते हैं। क्लियर? तो देखो, हाइट एंड विड्थ सेट करनी किसी भी एलिमेंट की, तो आप कर सकते हो इस तरह से कर सकते हो। और सिलेक्टर यूज करना है आपको, सिलेक्टर तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर सिलेक्टर यूज नहीं करोगे तो किस पे अप्लाई करोगे ये स्टाइल्स, ये बात को भी ध्यान आपको रखना है। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप इस कोड को रन करके देख सकते हैं। आप एक काम और करना, आप जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हो उसके अराउंड बॉर्डर भी लगा लेना। जो भी एलिमेंट बॉर्डर लगा लोगे तो बॉर्डर से क्या पता चल जाएगा, बॉर्डर से यह पता चल जाएगा कि कितनी हाइट एंड विड्थ पता चल रही है, कितनी हाइट और विड्थ पता चल जाएगी। तो बॉर्डर लगा लेना, ठीक है, तो बॉर्डर यहां पे यूज कर लेना ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर लेना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से। तो बॉर्डर क्या है, टू पिक्सल्स क्या है, बॉर्डर का साइज है, कि बॉर्डर की थिकनेस क्या होगी, थिकनेस क्या होगी, सॉलिड क्या है, कि बॉर्डर का स्टाइल क्या है, और रेड क्या है, बॉर्डर का कलर क्या है। तो आप तीनों प्रॉपर्टीज देखो, यहां पर हमने ये तीन वैल्यूज दे दिए, पिक्सल, सॉलिड, रेड, मींस क्या है कि बॉर्डर का साइज बता रहा है टू पिक्सल, सॉलिड क्या बता रहा है, बॉर्डर का स्टाइल बता रहा है, और रेड क्या बता रहा है, बॉर्डर का कलर बता रहा है। ठीक है, तो आप इस कोड को रन करके देख सकते हो और आपको आउटपुट मिल जाएगा। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी क्या सेट करती है, एलिमेंट की हाइट और विड्थ सेट करती है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन भी सीएसएस में एक प्रॉपर्टी है। किसी एलिमेंट के अलावा, किसी एलिमेंट के अराउंड आपको आउटलाइन करना है। जैसे कि अपन ने बॉर्डर देखी थी कि किसी एलिमेंट के अराउंड आपको बॉर्डर सेट करना है, तो आप बॉर्डर्स भी सेट कर सकते हो, बट किसी एलिमेंट के अराउंड आपको आउटलाइन सेट करनी है। आउटलाइन क्या होगी, आउटलाइन जैसे कि किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, लेट सपोज यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप दिख रहा है, आउटलाइन इज अ लाइन ड्राउन आउटसाइड द एलिमेंट बॉर्डर। जो एलिमेंट का बॉर्डर होगा, जैसे ग्रीन, ये ग्रीन दिख रही है, ग्रीन क्या है हमारा, आउटलाइन है। ग्रीन क्या है, ग्रीन कलर से दिख रही है, ये हमारी क्या है, आउटलाइन है। जैसे कि हम जब ड्राइंग्स करते थे, ड्राइंग्स में क्या करने के बाद उसके बाद आउटलाइन करते थे उसको प्रॉपर तरीके से ब्लैक कलर से, तो और सुंदर दिखता था। उसी तरह से यहां पर आउटलाइन होता है, आउटलाइन प्रॉपर्टी होती है, जिसके थ्रू हम एलिमेंट के बॉर्डर के बाद, बॉर्डर से बाहर क्या कर सकते हैं, ड्राउंड एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर हम आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आउटसाइड द एलिमेंट बॉर्डर, बट बॉर्डर के बाहर ड्रॉ होगी, ये बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे कि देखो, ये ब्लैक कलर जो बॉर्डर दिख रहा है, ब्लैक कलर से जो दिख रहा है अंदर जो ब्लैक कलर से, ये तो बॉर्डर है हमारा, बट जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो क्या है, हमारी आउटलाइन है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए,
इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने यहां पे कंटेंट लिख दिया है, कंटेंट के अराउंड ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर क्या है, आउटलाइन है, बॉर्डर के बाहर क्या है हमारी, आउटलाइन है, ठीक है। तो आउटलाइन इज अ लाइन दैट ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर्स टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट। मतलब स्टैंड आउट का मतलब लुक ब्यूटीफुल, लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि हम जब बचपन में ड्राइंग करते थे चाइल्डहुड में अपने ड्राइंग्स पे, तो ड्राइंग्स के किनारे किनारे आउटलाइन करते थे जिससे कि हमारी ड्राइंग्स बिल्कुल और भी उसमें और भी अच्छी दिखती थी, वो और अच्छा लगता था। तो इस तरह से आप अपने बॉर्डर के अराउंड आउटलाइन करने से भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग से स्टैंड आउट करेगा, मतलब हाईलाइट टाइप का हो जाएगा जिससे कि विजिबल हो जाएगा आराम से देखने में, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आपके वेब पेज के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि आप चाहते हो कि भाई बॉर्डर है उसके किनारे, उसके किनारे कोई आउटलाइन है, तो आप वहां पे आउटलाइन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चल अब देखिए आगे देखते हैं क्या क्या हो सकती है यहां पे आउटलाइन की वैल्यूज, प्रॉपर्टीज क्या क्या है आउटलाइन में। आउटलाइन स्टाइल, जैसे बॉर्डर स्टाइल था, जैसे बॉर्डर स्टाइल था वैसे आउटलाइन स्टाइल है। तो जिस तरह का स्टाइल चाहिए आपको आउटलाइन का, बॉर्डर के बाहर जो लाइन है उसका, तो आप वहां पे आउटलाइन की यूज कर सकते हैं। और उनकी कुछ वैल्यूज है, सेम वैल्यूज है, डॉट, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसाइड, हिडन और नन। तो दीज वैल्यूज यू कैन गिव कि आप भाई हाइट भी कर सकते हो, नन भी दे सकते हो, आप जैसा भी आउटलाइन चाहते हो वैसी आउटलाइन आप क्या कर सकते हो अपने कंटेंट के अराउंड दे सकते हैं, ठीक है। तो आउटलाइन स्टाइल यूज करेंगे हम स्टाइल देने के लिए। आउटलाइन का कलर भी सेट कर सकते हैं कि किस कलर का, जैसे कि हमने यहां पे ग्रीन का, यहां पे ग्रीन कलर दिया हुआ था, तो आप आउटलाइन कलर क्या लिख सकते हो, आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर ग्रीन, ठीक है। तो आप अपनी आउटलाइन को कलर भी दे सकते हैं, आप अपनी आउटलाइन को क्या दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिखी हुई है, तो इट गिव्स द कलर टू ऑफ द आउटलाइन, इट्स वैल्यू कैन बी कलर और कलर कोड। आप कलर भी दे सकते हो, जैसे कि हेक्साडेसिमल दे सकते हो, या आप कलर कोड भी या कलर नेम भी आप दे सकते हैं, क्लियर। तो ये आउटलाइन का कलर भी सेट कर सकते हैं। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, आउटलाइन की विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या सेट करेगी, विथ का मतलब क्या, कितनी थिकनेस आपको आउटलाइन की चाहिए, कितनी थिकनेस आपको आउटलाइन की चाहिए, वो आउटलाइन प्रॉपर्टी सेट कर देगी, आउटलाइन विथ प्रॉपर्टी। इट स्पेसिफाई दी विथ ऑफ द आउटलाइन, इट वैल्यू कैन बी थिन, मीडियम, थिक और वैल्यू इन सेंटीमीटर, पिक्सल और पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टी आपकी बॉर्डर की थिकनेस सेट करने की, कितनी थिकनेस चाहिए आपको, थिन चाहिए, मीडियम चाहिए, थिकनेस चाहिए, जैसी थिकनेस आपको सेट करनी आप सेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, थिन, मीडियम और थिक, ठीक है। और आप वैल्यू सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, आपने दे दिया 10 सेंटीमीटर, आपने दे दिया 10 पिक्सल, या आपने दे दिया 10 पॉइंट, तो आप ऐसे भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। इसके बाद लिखने का तरीका वही है, सेम तरीके से लिखेंगे, आउटलाइन विथ और वैल्यूज, हमेशा वैल्यूज देंगे, आपने 10 पॉइंट दे दी और आपने क्या किया, सेमी कोलन से एंड कर दी प्रॉपर्टी, सेमी कोलन से क्या कर दी, प्रॉपर्टी एंड कर दी। तो आप किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी टैग पे एचटीएमएल के ये यूज कर सकते हैं। आप पैराग्राफ पे करना चाहते हैं, आप हेडिंग पे करना चाहते हैं, आप टेबल पे करना चाहते हैं, आप इमेज के अराउंड करना चाहते हैं, जिसके अराउंड भी जाते हैं, बस वहां पर आपको सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा, सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, चाहे आप इनलाइन स्टाइल शीट में करो, चाहे आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट में करो, चाहे आप इंटरनल स्टाइल शीट पे करो, बस ये प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, उसी तरह से यूज करना है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, सीएसएस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या है कि आप अपने टेक्स्ट को, अगर वेब पेज पर कोई टेक्स्ट है, आप उसका अलाइनमेंट क्या चाहते हो, मतलब उसकी पोजिशन क्या रखना चाहते हो, तो आप यहां पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं कि भाई आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट रहेगा कि राइट रहेगा कि सेंटर रहेगा क्या रहेगा, तो आप यहां पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज दैट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन एलिमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब यही है ना, लेफ्ट राइट, ठीक है, सेंटर, यह हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है कि यह पोजिशन आपकी हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगी टेक्स्ट की, क्लियर। तो यह टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी।
टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इनकी कुछ वैल्यूज है, इनकी वही सेम वैल्यूज है, लेफ्ट राइट सेंटर कैसे लिखना है, सेम ऐसे लिखना है, टेक्स्ट अलाइन और लेफ्ट और सेमीकोलन से एंड, सेम। यहां आप राइट भी यूज कर सकते हो वैल्यूज में, आप सेंटर भी यूज कर सकते हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो, इनिशियल भी लिख सकते हो। इनिशियल लिखोगे यहां पे तो क्या होगा, इट सेट्स द प्रॉपर्टी टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। तो जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, इनिशियल लिखने से क्या होगा, जो भी टेक्स्ट का डिफॉल्ट वैल्यू होगा उस पर सेट कर देगा, जो भी टेक्स्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होगी उस पर सेट कर देगा। बाकी सेंटर पता है बीच में आ जाएगा, लेफ्ट मतलब आपके उल्टे हाथ पे, राइट में आ जाएगा, ठीक है। और जस्टिफाई का मतलब हर एक लाइन की विड्थ को क्या कर देगा, बराबर कर देगा। इट मींस कि अगर आपकी लाइंस कुछ ऐसे लिखी हुई हैं, ठीक है, तो इनको बराबर कर देगा, इनको इक्वल विड्थ की कर देगा, इक्वल विड्थ की कर देगा। इट स्ट्रेस द लाइंस सो दैट ईच लाइन हैज अ इक्वल विड्थ, हर एक लाइन की क्या हो जाए, विड्थ इक्वल हो जाए, अगर आप जस्टिफाई यूज करते हैं यहां पे। तो वैल्यू में आप क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई, क्लियर। तो ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है। आप पैराग्राफ हेडिंग, आप टेबल के अंदर टीडी टैग है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, टीडी टैग के अंदर भी, तो आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। जहां पे टेक्स्ट का काम है वहां पे आप सिलेक्टर का यूज कीजिए और इस प्रॉपर्टी का यूज करिए, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोट। फ्लोट क्या प्रॉपर्टी है, फ्लोट प्रॉपर्टी यह बताएगी आपका एलिमेंट, आपका एचटीएमएल का एलिमेंट है, जो भी वो इमेज है, वो पैराग्राफ है, वो हेडिंग है, वो टेबल है, जो भी एलिमेंट है आपका, जो भी एलिमेंट है वो कैसे फ्लोट करेगा वेब पेज पे, मतलब लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी बताती है, इसको याद रखना है। फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर एन एलिमेंट शुड फ्लोट टू लेफ्ट राइट और नॉट एट ऑल, फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। अब आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मैंने यहां पे लिखा है, देखिए यहां पे अगर सिलेक्टर, आपको मैंने सिलेक्टर यहां पे आईएमजी यूज किया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ है फ्लोट राइट। फ्लोट राइट मींस इमेज है, ये इमेज है और मैंने इमेज को यूज यहां पे किया हुआ है, ये देखिए ये हमारी इमेज यूज है। तो इमेज हमारी जो फ्लोट होगी, मैंने राइट लिखा है मींस हमारी इमेज, ये पैराग्राफ जो है, ये जो हमारा पैराग्राफ है, ये जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ के अराउंड, इस पैराग्राफ के अराउंड राइट पे फ्लोट करेगी, राइट पे फ्लोट करेगी, मतलब पैराग्राफ पहले आएगा, इमेज उसके साइड में आएगी, पैराग्राफ पहले आएगा, इमेज उसके साइड में आएगी। अब देखिए ये एग्जांपल, ये देखिए आप आउटपुट इसका, तो ये हमारा पैराग्राफ है, ये हमारा पैराग्राफ जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, और मैंने क्या सेट किया है, फ्लोट, फ्लोट की प्रॉपर्टी राइट पे। तो जो हमारी इमेज है, ये इमेज है वो कहां पर आ रही है, राइट पे आ रही है, मतलब फ्लोट कहां से कर रही है, लेफ्ट टू राइट, फ्लोट कहां से कर रही है, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे लिखा भी है विल बी फ्लोट टू द लेफ्ट इन द टेक्स्ट, ठीक है, राइट, क्लियर। चलो राइट में फ्लोट कर रही है। अब अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करोगे फ्लोट की, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लेफ्ट में कर दी है, मैंने यहां पे क्या कर दी, लेफ्ट कर दी है, तो देखिए इमेज आपकी कहां पर आ गई, पैराग्राफ के लेफ्ट में आ गई, पैराग्राफ के लेफ्ट में आ गई। तो यहां राइट टू लेफ्ट फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो आप अपनी ऐसे इमेज को इस फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू, एज ए इमेज को, एज ए पैराग्राफ को, एज ए हेडिंग को आप सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी हेडिंग यहां पे डिस्प्ले हो वेब पेज के, या यहां पे डिस्प्ले हो, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी इमेज यहां डिस्प्ले हो, कहीं यहां पर डिस्प्ले हो, तो आप फ्लोट प्रॉपर्टी में लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे लास्ट हमारी क्या आती है, सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी। क्या आती है, सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट। अगर आपको अपने फॉन्ट के साथ खेलना है, मतलब फॉन्ट को सेट करना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो आप यहां पे फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फैमिली, साइज और कलर। कलर तो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी, अभी कलर दोबारा यहां से फिर आएगी। आप देखिए ये कलर प्रॉपर्टी जो है फॉन्ट की, ये क्या सेट करेगी, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी फॉन्ट का कलर सेट करेगी। फॉन्ट फैमिली, आपको अपने फॉन्ट का क्या स्टाइल चाहिए, मतलब क्या फॉन्ट का स्टाइल चाहिए, आप यहां पे सेट कर सकते हैं। यहां पे सारे स्टाइल दिए हुए हैं, एरियल, इंपैक्ट, कोरियर, ठीक है, सैन सेरिफ, तो बहुत सारे स्टाइल होते हैं। जैसे कि आप जब अपनी टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग के अंदर जब आप फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, जो भी स्टाइल आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बस आपको फॉन्ट फैमिली लिखनी है, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी,
क्लियर। और यहां पे आपको वैल्यू दे देनी है जो भी आपको फैमिली अप्लाई करनी है, और सेमी कोलन से एंड कर देना है, ठीक है। सेमी कोलन से क्या कर देना है, एंड कर देना है, क्लियर है। फॉन्ट साइज, आप अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हो, अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो ये सब वैल्यू है, एक्स लार्ज, लार्जर, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स स्मॉल, एक्स एक्स स्मॉल, लेंथ इन परसेंटेज। आप फॉन्ट का लेंथ भी परसेंटेज में भी दे सकते हैं, 100% टाइप की ऐसा कुछ, 50%, या आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, 50 pixels, 25 pixels, तो आप पिक्सल्स और परसेंटेज में दोनों दे सकते हैं। तो यहां देखिए फॉन्ट साइज लार्ज, फॉन्ट साइज पॉइंट में भी दे सकते हैं आप, पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, पीटी में भी दे सकते हैं, और परसेंटेज में भी। तो आप किसी तरह से भी अपने फॉन्ट की साइज की वैल्यू दे सकते हैं। यहां पे ये वैल्यूज भी दी गई हैं, एक्स लार्ज, लार्जर, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, ये वैल्यूज भी हैं, और पॉइंट और परसेंटेज और पिक्सल्स के अंदर भी आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर देखो मैंने क्या किया है, मैंने पी टैग लिया है, पैराग्राफ टैग लिया है, जो सिलेक्टर है हमारा, फॉन्ट साइज पिक्सल किया है 50 pixel, फॉन्ट साइज क्या किया है 50 pixel, और कलर क्या है ब्लू। कलर प्रॉपर्टी ये याद रखना है, कलर प्रॉपर्टी फॉन्ट का कलर सेट करती है, और फॉन्ट फैमिली मैंने क्या लिखी हुई है, एरियल लिखी हुई है। तो अब ये जो स्टाइल है ये किस पे अप्लाई होगी, पी टैग पे अप्लाई होगी, ये स्टाइल किस पे अप्लाई होगी, पी टैग पे अप्लाई होगी। तो आपका क्या हो जाएगा कि भैया फॉन्ट का साइज 50 pixel हो जाएगा, 50 pixel हो जाएगा, और फॉन्ट फैमिली एरियल हो जाएगी, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह से ये आउटपुट है कुछ, तो ये देखिए हमारा ये टेक्स्ट है जो ब्लू कलर से आ रहा है, और फॉन्ट फैमिली इसकी एरियल है, मतलब इस फॉन्ट का स्टाइल ये एरियल स्टाइल है, एरियल स्टाइल है, और यहां पे फॉन्ट साइज क्या है 50 pixel दिया हुआ, तो साइज देखिए। तो ये आउटपुट है इस कोड का, इस कोड का आउटपुट है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, क्या हो गई, ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है, हमें इतनी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो ये क्विक था, मजा आ गया होगा आई थिंक आपको, ठीक है, कि ये सारा CSS का जो प्रॉपर्टीज थी एक क्लास में कवर हो गई है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आप इस क्लास को देखोगे तो समझ आ जाएगी सारी प्रॉपर्टीज। जिस तरह से मैंने कोड लिखे हैं इस तरह से आप कोड को अप्लाई करिएगा, आपको बिल्कुल आउटपुट मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये था आज की क्लास का, अब आपको मैं बता देता हूं टाइम टेबल के बारे में कि हमारी क्लास कब कब होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन की। देखिए मंडे को होती है 1 PM पे 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेनेसडे को होती है, फ्राइडे को मैं आपके सामने क्या आता हूं, लाइव आ जाता हूं, मैं फ्राइडे को लाइव आ जाता हूं 1 PM पे, तो आप टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो, ये क्लास का शेड्यूल है। और बच्चों मैंने आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार कर दी है जिसमें मैंने आपको HTML ऑडियो वीडियो, HTML टेबल, HTML लिंक, वी लिंक सब बताया, और CSS के लिए भी बना दिया, तो पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया है इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो भी हमारे सिलेबस के अंदर आने वाला है, तो आप उसको जरूर से जरूर देखें और पढ़ें जरूर। उस पे मैं आपको फ्राइडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, लाइव आके प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चन की, तो आप वहां पे कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने CSS पढ़ा दिया, तो आप CSS पढ़ लीजिए, CSS को समझ लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए, कोड भी लेके आता हूं कि जिससे कि आप देख के इंप्लीमेंट कर सके उस कोड को, तो सब कुछ क्लियर हो जाए आपको। चलिए तो अगर आपको क्लास पसंद आती है मेरी, कंटेंट पसंद आता है, ठीक है, तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें डाउटनेट के चैनल को, तो आपको और भी ऐसे क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के क्लासेस मिलती रहेंगी जो कि हमारे सब्जेक्ट में है, ठीक है, जो कि हमारा सिलेबस, उस सिलेबस को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, उस पर और भी लेक्चर्स डिलीवर करूंगा, जिससे कि आपकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी बच्चों, जिसको आप देख के अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते हैं हर फ्राइडे को। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना स्टूडेंट्स, बाय बाय।